हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्लास सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है, उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट? तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। 4, 6, 48 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मालूम है। 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? सबसे पहले आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, आप 2 से स्टार्ट करो, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाया 2 का, 8 जो है 2 से डिवाइड होता है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से, अब 81 आ गया। 8 + 1 9, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये था आपका कि आपने इसको पूरा पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर्स बना दिए इसके। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये आपके पास आ गया 2^3 × 3^4, ठीक है। सेकंड मेथड आपके पास ये था, जैसे ही आपके पास 81 आया था, मेरे पास जैसे ही यहाँ पे आया 2 × 2 × 2, उसके बाद आया 81, तो 81 तो मुझे मालूम है क्या होता है। 81 3^4, अगर आपने लर्न किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। 2 × 2 × 2, 81 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 9, और 9 × 9 3 × 3 3 × 3, दैट मीन्स 3^4 ये वाला हो गया, और ये हो गया आपके पास 2^3, राइट? ये हो गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आ गया 405, इसे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट हमारे पास 405 का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 405 के फैक्टर्स बना लो। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होता है, 5 है, 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। 4 + 5 9 है, 3 पे डिवाइड होगा। 405 का 3 × 3 × 3 × 3 × 5, दैट मीन्स 3^4 × 5^1, राइट? नेक्स्ट है आपके पास 540, तो 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन, एक तो आप इसको 54 × 10 भी लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा क्विक करना है तो आप इसे लिखो 54 × 10, और 54 आपको बताया 2 × 27 होता है, 27 × 2 = 54 होता है, राइट? और 10 क्या होता है? 5 × 2 = 10, तो 27 क्या होगा आपको मालूम है? 3 × 3 × 3 होगा 27, और ये होगा 5 × 2, तो यहाँ पे 2 कलेक्ट करो 2^2, 3 कलेक्ट करो 3^3, और 5 कलेक्ट करो 5^1। तो देखो आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही करना है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। 3600 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 36 × 100, तो 36 होता है 6 × 6, और 100 होता है, 100 को मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, 10 × 10 भी लिख सकती हूँ, 25 × 4 भी लिख सकती हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। 3 × 2 × 3 × 2 × 5 × 2 = 10, और एक ये 10 बच गया 5 × 2, तो इसमें कलेक्ट कर लो आप 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2^4। अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 2, 3^2, 5 कितने टाइम्स है, 1 2, तो ये आ गया 5^2, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 13.1 का। देखो आपने कितना इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच।